सॉरी, एक और एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल टू। अगर उसने बोला मान लिया फाइंड एन सी जीरो अपॉन एन इंटू या फिर एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री माइनस एन सी वन अपॉन एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर प्लस एन सी टू अपॉन एन प्लस फोर इंटू एन प्लस फाइव माइनस एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन सम कैन बी रिटन एज एन सी जीरो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वन। तो हमने न्यूमरेटर में जो वन लिखा है उसको ऐसे लिख लिया एन प्लस थ्री माइनस एन प्लस टू, ठीक है, और दोनों को अलग कर दिया। तो उससे क्या होगा कि ये ऐसे लिखा जाएगा, अगर इसका एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री आ जाएगा और न्यूमरेटर में एन प्लस थ्री और माइनस एन प्लस टू से वन बचेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर माइनस सेम लॉजिक से इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ फोर आएगा। फिर अगला टर्म कितना हो जाएगा, एन प्लस टू वन अपॉन एन प्लस फोर माइनस वन अपॉन एन प्लस फाइव माइनस एंड सो, ठीक है, ये आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसमें हमने क्या किया कि जो पहले वाले टर्म है उसको एक अलग सीरीज बना दिया, तो वो तो ऐसे आ गया एन सी जीरो अपॉन एन प्लस टू माइनस एन सी वन अपॉन एन प्लस थ्री प्लस एन सी टू अपॉन एन प्लस फोर माइनस एंड सो ऑन। ये तो पहले पहले टर्म तो ये आ गए, माइनस जो दूसरे दूसरे टर्म है, ठीक है, ये वाला जो टर्म है इनको अलग से सेपरेट कर दिया, वो आ गया एन सी जीरो अपॉन एन प्लस टू माइनस एन सी वन अपॉन एन प्लस थ्री, सॉरी ये एन प्लस थ्री यहाँ पे आएगा, फोर यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्लस एन सी टू अपॉन एन प्लस फाइव माइनस एंड सो ऑन, ये ऐसे हो जाए, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर जैसे क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। जीरो से वन तक इंटीग्रेशन करेंगे, वन माइनस एक्स रेज टू पावर, पहले हमने क्या किया, वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन को कंसिडर किया, फिर हमने एक्स का एक पावर मल्टीप्लाई किया, एक्स का कौन सा पावर मल्टीप्लाई किया वो हमने राइट हैंड साइड से देख लिया एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में तो एन सी जीरो अपॉन एन के लिए इस एन को देख के हमें क्या पता लगा कि एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन चाहिए डिनोमिनेटर, सॉरी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटीग्रेट होना चाहिए तब जाके एन डिनोमिनेटर में आएगा। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करने में तो एक्स का एन माइनस वन पावर कम पड़ रहा था हर टर्म में, तो इसलिए हमने दोनों तरफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देख लो, अगर हमने वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन को सीधा ओपन किया तो एन सी जीरो के साथ तो कुछ भी नहीं आएगा, तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, एन सी जीरो के साथ कुछ भी नहीं आएगा मतलब वन आएगा, उसका इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा। एन सी वन के साथ कितना आएगा, एक्स, अगर मैंने केवल वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन को ओपन किया तो एक्स के इंटीग्रेशन का कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, ठीक है, जबकि अगर हमें एन प्लस थ्री चाहिए तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस टू इंटीग्रेट होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि एन सी वन के साथ, इसके साथ यहाँ पे हमें एक्स रेज टू पावर एन प्लस टू चाहिए, और जबकि वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन को अगर ओपन करेंगे तो एन सी वन के साथ क्या आएगा, एक्स आएगा। तो देख लिया कितना कम पड़ रहा है, एन प्लस वन कम पड़ रहा है, तो उसका मतलब कहेगा एग्जैक्टली जैसा ऊपर क्वेश्चन किया था उसी के बेसिस पे, अगर हमने वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन को ओपन किया तो इसमें तो कितना पावर कम पड़ जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन पावर कम पड़ जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन इतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर किया था वैसे यहाँ पे कर लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर राइट हैंड साइड पे डिजायर्ड पावर आ जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से वन तक, तो आंसर ऐसे आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आए तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखो, यहाँ पे इसे क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये पावर कम पड़ रहा था, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, फिर
फिर 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट किया। तो इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है कि ये बस 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, इसकी वजह से तो ये इंटीग्रल लिखा गया, इसकी वजह से ये इंटीग्रल लिखा जाएगा, 0 से 1, 1 माइनस x रेज टू पावर n dx। और साथ में क्या आएगा, इसमें पावर एक ज़्यादा और चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे n+2 था, यहाँ पे n+3 है, तो इसमें अगर x रेज टू n+1 था तो इसमें x रेज टू पावर n+2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का लिमिट बराबर है तो इन दोनों को मिला दिया, तो अगले स्टेप में ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर n+1 -x रेज टू पावर n+2 इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर n इंटू dx, ये आंसर हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0 टू 1, इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा और इसमें से x का इतना पावर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस x रेज टू पावर n कॉमन ले लिया, x रेज टू पावर n+1 कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पे तो 1 बचेगा और इसकी जगह पे एक x बचेगा, यहाँ से याद है dx। तो दिस इज नथिंग बट वापसी, तो इसका फिर एक पावर बढ़ा दिया, तो दिस विल बी 0 से लेके 1 तक, एंड 1 माइनस x रेज टू पावर n+1 इंटू x रेज टू पावर n+1 dx। ठीक है, इन दोनों इंटीगल को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले मिला लिया, जब ऐसे करके लिखा गया अब इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के लिए हमने बोला था कि तरीका कहाँ समझाया जाएगा, सॉल्व करने के लिए इसका जो प्रोसीजर है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाएगा अगर नहीं आता है तो, और वहाँ कैसे कराएंगे, एक्स की साइन स्क्वायर थीटा रखा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा रखा, तो फिर एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा, उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लेंदी है मतलब इसके बाद ईजी नहीं, तो इसलिए मोस्ट प्रॉबली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं ये वाला तरीका। तो अगर ये समझ में नहीं आया ये वाला मेथड तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते। ठीक है, इससे पहले जो बाकी बोला था कि जब टर्म न्यूमरेटर में है या फिर जब NCR/R+1 वाला फॉर्मूला अगर डायरेक्टली लग रहा है तो वो तो समझ में आना चाहिए, उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए ऑफकोर्स। ठीक है,